गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास एट्थ की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 22, जो कि आपकी डेट 10 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम स्क्वायर रूट्स एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, टुडे प्रिया टोल्ड रिया अबाउट एन इंसिडेंट। यस्टरडे व्हेन पापा वेंट टू द प्रॉपर्टी डीलर टू बाय ए प्लॉट, शी अकम्प्लिश्ड हिम एंड डीलर रिक्वायर्ड Enquired पापा अबाउट हाउ मच एरिया ऑफ लैंड डज ही वॉन्ट टू परचेज। तो उन्होंने पूछा कि भाई कितना एरिया आप चाहते हो। तो पापा ने बोला कि मुझे 45 feet x 45 feet का एरिया चाहिए, यानी कि 2025 feet square का एरिया चाहिए। तो डीलर ने क्या कहा कि आई शो यू प्लॉट विच एज मच यू एज नीड। मैं आपको प्लॉट दिखा देता हूँ जितनी आपको ज़रूरत है, और जो लेंथ होगी वन फीट मोर होगी 45 से, और वन विड्थ तो यानी कि जो लेंथ होगी वो 45 से एक एक्स्ट्रा होगी, जो विड्थ होगी वो 45 से कम होगी, यानी कि वो 44 होगी और वो 46 होगी, ठीक है। तो देन आई हैड ए थॉट एंड आई टोल्ड पापा, नो पापा ही विल गिव मी ए 1 square feet लेस लेंथ। तो मैंने अपने पापा को कहा कि पापा वो तो हमें 1 square feet कम दे रहा है ना, या 45 की जगह 44 दे रहा है। तो फादर ने क्या कहा, फादर ने कहा कि देखो 46 और 44 जो फीट है, सेड येस माई डॉटर यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि इट विल बी 2024 होना चाहिए, ठीक है। आई टोल्ड माई फादर डेट आई हैव गिवन टू करेक्ट आंसर नॉट बाय मल्टीप्लाइंग बट माई सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2025, ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट करके उन्होंने बता दिया उसने। लेकिन लुक केयरफुली रिया एंड अंडरस्टैंड हाउ डज द डीलर वॉन्ट टू टेक मोर मनी एंड ऑफ 1 square feet, यानी कि उन्होंने कहा कि वो हमसे 1 square feet का एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, तो आपको तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब फादर ने कैलकुलेशन की, क्या की कि उन्होंने 45 और 45 का चाहिए था, तो 2025 बन गया, ठीक है। फिर डीलर ने उन्होंने डीलर ने क्या कहा कि भाई मैं एक कम एक इधर लेंथ में एक ज़्यादा दूंगा 1 feet और ब्रेथ विड्थ में 1 feet कम दूंगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2024 square, यानी कि ये सेकंड सिचुएशन हो गई। तो 1 square feet लेस इन सेकंड सिचुएशन। अब इसमें देखिए 1 square feet कम रह गया। अब अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो प्रिया थी उसने क्या कैलकुलेट किया, उसने कैलकुलेट किया कि 45 feet और 45 feet का कितना आया, 2025 feet square आ गया फर्स्ट सिचुएशन। तो उसने क्या आइडिया लगाया कि मैं अगर इसको ए मान लेती हूँ, ए प्लस वन और ए माइनस वन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 1 square, ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 45 को मैं लिख सकती हूँ 45 into 45, तो 45 को मैं 46 लिखती हूँ और 45 को मैं 44 लिखती हूँ, यानी कि 45 प्लस 1 और 45 माइनस 1, तभी तो हमारे पास ये 46 और 45 44 आएगा, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 2024 square feet आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको इसी हिसाब से करना है, यानी कि आपको क्या करना है, जैसे बेटा ये देखो ये है आपका, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 2000, है ना, माइनस 1 इंटू, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2000 plus 1, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका क्या है, ए क्या है आपका 2000 और बी क्या है आपका 1, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे कि माइनस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आंसर्स देख लेते हैं हम। आंसर देखिए, मैंने 2000 माइनस लिखा, 2000 प्लस 1 लिखा, तो ए हमारा क्या हो गया 2000 हो गया, बी क्या हो गया हमारा 1 हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए हमारा इतना है बी इतना है, स्क्वायर करोगे माइनस करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सेकंड में देखिए 24 into 26 है, तो 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ 25 minus 1, और 26 को लिख सकती हूँ 25 plus 1, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए आप, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए आपका क्या है 25 और बी क्या है 1, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625 minus 1, तो आपका 624 आंसर आ जाएगा। थर्ड में देखिए 96 into 98 है, तो बेटा 96 को मैं लिख सकती हूँ 97 minus 1, और 98 को लिख सकती हूँ 97 plus 1, ए की वैल्यू होगी 97, बी की वैल्यू होगी 1। फॉर्मूला लगाइए, स्क्वायर कीजिए, माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ थोड़ा सा अलग है। देखिए 322 into 324 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 323 minus 1, और इसको मैं लिख सकती हूँ 323 plus 1, ये लिख सकती हूँ। अब ये स्क्वायर है ना, इसका ऐसे रहने देते हैं। चलिए, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब 323 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में बेटा 605, अब इसमें थोड़ा सा अलग है, इसको तो हम ऐसे कैसे ही रहने देंगे,
ठीक है, इसको हाँ इसको हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला उल्टा कर देंगे, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 605, 605 माइनस 1, 605 प्लस 1 और नीचे आपका 606 है। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो 606 आएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 604। सिक्स देखिए 71 × 73, तो 71 को हम लिख सकते हैं 72 माइनस 1 और 73 को लिख सकते हैं 72 प्लस 1। ए की वैल्यू आपकी होगी 72, बी की वैल्यू हो गई आपकी 1। अब स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 72 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5183। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।